अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। संविदा कर्मचारी प्राइवेट लाइनमैन की कट लगने से मौत, घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया कोई भी स्टाफ कर्मचारी न मिलने से स्ट्रेचर पर ही हो गई मौत। फिरोजाबाद में विद्युत विभाग में तैनात संविदा कर्मचारी कट लगने से घायल हो गया, गंभीर अवस्था में अन्य कर्मचारियों द्वारा जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां पर कोई भी मेडिकल स्टाफ व नर्सिंग स्टाफ न होने के कारण घायल कर्मचारी की स्ट्रेचर पर ही मौत हो गई। अस्पताल स्टाफ की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है। यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही हैं। मामला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ रेपुरा फीडर का है, जहां संविदा पर काम करने वाला विद्युत कर्मचारी नरेश बघेल 26 वर्ष पुत्र गोरेलाल बघेल देर शाम 8 बजे गांव महलई में विद्युत फॉल्ट को सही करने गया था। तभी अचानक लाइन जोड़ जाने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में गाँव के लोग और विद्युत विभाग के कर्मचारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल स्टाफ न होने के कारण समय पर इलाज नहीं हो पाया, जिसके चलते इलाज के अभाव में उक्त कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों को ग्रामीणों ने रेपुरा फीडर पर हंगामा शुरू कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पर विद्युत विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी गण वो टूनला विधायक मौके पर पहुंच गए। वहां पर ग्रामीणों को समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत कराया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए ये रेपुरा में मेरे संज्ञान में आया था, ये संविदा कर्मचारी था विद्युत विभाग में, और सिट डाउन लेकर के गया, कहीं उसने 11,000 की लांच पर कार किया, तो सिट डाउन के बाद उसने जुड़वाने का काम किया। ये बता रहे हैं कि थोड़ी गलती हुई है, तो गलती तो गलती है, मगर फिर भी सभी विद्युत कर्मचारी और प्रशासन पूरा उसकी नरेश के साथ है, उनके परिवार के साथ है, उनको सहायता राशि भी दी है, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, ये सभी अधिकारी भी प्रयास करेंगे, MD साहब से कहेंगे कि और भी सहायता राशि बढ़ा दी जाए, जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण हो, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले, तो हम सब लोग लगेंगे और ज़्यादा सहायता राशि मिले। और घटना तो दुखद है, ऐसी घटना के CMS जब मेरे पास फ़ोन गया तो मैंने CMS साहब से कहा था, तो तुरंत वो एक्शन में आए, उन्होंने वहाँ पर डॉक्टरों से कहा, इलाज तो हुआ है, मगर ऐसी अगर लापरवाही आई हुई है तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मगर मैं बात करूँगा CMO साहब से कि अगर ऐसी लापरवाही अगर होती है तो ठीक नहीं है। अगर कोई मरीज़ ऐसा पेशेंट पूछता है, ऐसे घटना होती है, तो उसमें तुरंत जो है इमरजेंसी में भर्ती करा करके उनका इलाज कराया जाना चाहिए। मैं CMO साहब से बात करता हूँ अभी जा करके। नरेश, ये कौन थे? ये मेरा भाई था। क्या हो गया इनको? ये लाइट पे काम कर रहे थे, सिद्धांत लेके इन्हें काम किया था, और उनने कोई सूचना नहीं थी, लाइट उसने चालू कर दी, कौंसल ऐसा ऐसा ले। अस्पताल में क्या मामला था बना? अस्पताल में कोई लापरवाही, कोई काम ही नहीं हुआ, कल की बॉडी रखी थी और कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे, और ले जाके पोस्टमार्टम में डाल दिया।